यूपी के फतेहपुर जिले में किसान विरोधी बिल को लेकर आज किसानों के समर्थन में उतरे सपाइयों ने अनोखे अंदाज में किसान यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार विरोधी नारे लगाकर बिल वापस लेने की मांग की। आज औंग से जहानाबाद तक किसानों के साथ सपाइयों ने बैलगाड़ी में सवार होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए किसान विरोधी बिल वापस लेने की मांग की। जब तक किसान विरोधी बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। सैकड़ों की संख्या में सपाइयों के साथ किसानों ने बैलगाड़ी में सवार होकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सपा नेता कुश वर्मा ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों को जब तक पूरा नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं पीड़ित किसानों की मांग है कि दिल्ली में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार वार्ता की बात कर किसानों का उत्पीड़न कर रही है। किसानों की मांग है कि जब तक कृषि कानून बिल को वापस नहीं करती तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। जी, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? आज ये यात्रा किसानों के समर्थन में जो समाजवादी पार्टी का जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग किसानों के संघर्ष में समाजवादी साथी खड़े हैं। और ये जो तीन बिल ये सरकार लेकर आई है, ये काले बिल वापस लेने तक और जब तक हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हम लोग को प्राप्त होगा, जब तक संघर्ष के लिए हमको वो आह्वान करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे युवा साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, सभी लोग सड़कों पर निकलकर किसानों के हित में खड़े हैं और ये संघर्ष करते रहे। कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये? आज ये यात्रा औंग से प्रारंभ होकर हमारा खदरा, करचलपुर, टिकरा, देवमई और बैठका चौराहे से मुड़कर हम लोग वाया मुसाफा होते हुए सकूरा और जहानाबाद, और जो इसका जहानाबाद से हम लोग समापन हम लोग बकेवर में करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है मेल निकालने का और जनता के लिए क्या उद्देश्य लेके जा रहे हैं? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसा जो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में आप कोई भी बिल लाकर किसी भी किसान पर, नौजवान पर आप थोपने का काम नहीं हो सकता। इसका विरोध के लिए आज ये ताकत जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारे किसान भाई यहाँ इकट्ठा हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हैं, और ये केवल हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये एक मैसेज, एक संदेश ऊपर तक जाए कि नहीं, वास्तव में ये बिल कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है किसानों के लिए, किसान इस बात को समझ सकता है। सरकार का कहना ये है कि केवल राजनीतिक पार्टियां ही इसका विरोध कर रही हैं जबकि किसान अपने खेतों पर काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसान खेतों पर भी है। किसान खेती नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए है, उनकी शादी ब्याह, उनको आगे बढ़ाने के लिए किसान तो खेती करेगा ही, उसके पास विकल्प क्या छोड़ा सरकार ने? तो किसान आज यहाँ पर 80% इस कार्यक्रम में किसान 80% यहाँ पर मौजूद है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ये आपको बताता हूँ, किसान इतना पीड़ित है कि अपने घरों से निकलकर वो ऐसा ना हो जाए कि चक्का जाम करने का काम करे। सरकार कह रही है वार्ता के लिए लगातार बुलाया जा रहा है, क्या वार्ता से? ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये नीति दमन करने वाली दोबारा हो रही है। पहले हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने नसबंदी का वो लेकर के और इमरजेंसी तक लगाई कि यहाँ की जनता, हिंदुस्तान की जनता किसी तरीके दब जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता दबी नहीं, उनको दबा दिया और इतने ज़्यादा मतों से हराया था, 77,000 वोटों से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव हारा था रायबरेली। आज ये सरकार जो है इतना ज़्यादा वो कर रही कि सारा का सारा हिंदुस्तान का धन अपने हिसाब में ले रही है। वार्ता के लिए जो आप पूछ रहे हैं, वार्ता के लिए बुलाया जा रहा, वार्ता के लिए नहीं बुलाया, केवल किस तरीके से दमन किया जाए ये सोच। और जब वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं तो आज वार्ता करने के लिए किसानों के बीच में क्यों नहीं? तो मैं केवल इसलिए बोला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो जनता है, हमारे जो वोटर हैं, हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, जिस समय चाहें उस समय सरकार को पैदल कर देंगे, वो अपनी जितनी भी दमनकारी नीति है उसे दिखा लें, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाएंगे और न इस कारवां कोई दबा सके। किसानों के बीच में आप लोग कैसे जाते हैं? किसानों के बीच जी, किसानों, अरे हम लोग तो सब स्वयं किसान है, हम लोग कैसे जाते हैं? हम लोग तो किसान ही नहीं, तो किसान बिल में संशोधन एक विकल्प नहीं, ये बिल्कुल हटना चाहिए। तो क्या इससे पहले जो नीतियाँ थी वो कारगर थी? क्या पहले जो हालत थी किसानों की, क्या इससे पहले जो किसान सुधार बिल से पहले की स्थिति थी, तो क्या किसानों की स्थिति बेहतर थी? इससे बेहतर। ठीक ठीक जी, कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं और क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? आज ये यात्रा
किसानों के समर्थन में जो समाजवादी पार्टी का जो निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ है, आज हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग किसानों के संघर्ष में समाजवादी साथी खड़े हैं। और ये जो तीन बिल ये सरकार लेकर आई है, ये काले बिल वापस लेने तक और जब तक हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश हम लोगों को प्राप्त होगा, जब तक संघर्ष के लिए हमको वो आह्वान करते रहेंगे, तब तक हमारे सारे युवा साथी, हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ सभी लोग मौजूद हैं, सभी लोग सड़कों पर निकलकर किसानों के हित में खड़े हैं और ये संघर्ष करते रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक जाएगी यात्रा? आज ये यात्रा औंग से प्रारंभ होकर हमारा खदरा, करचलपुर, टिकरा, देवमई और बैठका चौराहे से मुड़कर हम लोग वाया मुसाफा होते हुए सकूरा और जहानाबाद, और जो इसका जहानाबाद से हम लोग समापन हम लोग बकेवर में करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है मेल निकालने का और जनता के लिए क्या उद्देश्य लेके जा रहे हैं? देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि ऐसा जो लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में आप कोई भी बिल लाकर किसी भी किसान पर, नौजवान पर आप थोपने का काम नहीं हो सकता। इसका विरोध के लिए आज ये ताकत जो आज यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारे किसान भाई यहाँ इकट्ठा हैं, समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हैं, और ये केवल हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ये एक मैसेज, एक संदेश ऊपर तक जाए कि नहीं, वास्तव में ये बिल कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदेह है किसानों के लिए, किसान इस बात को समझ चुका है। सरकार का कहना ये है कि केवल राजनीतिक पार्टियां ही इसका विरोध कर रही हैं, जबकि किसान अपने खेतों पर काम कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, किसान खेतों पर भी है। किसान खेती नहीं छोड़ सकता, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए है, उनकी शादी ब्याह, उनको आगे बढ़ाने के लिए किसान तो खेती करेगा ही, उसके पास विकल्प क्या छोड़ा सरकार ने? तो किसान आज यहाँ पर 80% इस कार्यक्रम में किसान 80% यहाँ पर मौजूद है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ये आपको बताता हूँ, किसान इतना पीड़ित है कि अपने घरों से निकलकर वो ऐसा ना हो जाए कि चक्का जाम करने का काम करे। सरकार कह रही है वार्ता के लिए लगातार बुलाया जा रहा है, क्या वार्ता से